वाली पंक्ति में खड़े करता हूं कि इस देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए हमें एक बार पुनः बीजेपी को लाना है और हम उसके लिए तैयार हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वर्धन के लिए मैं आपको बता चुका हूं, और ये पूरी लोकसभा के कार्यकर्ताओं का, वो खुर्जा हो, सिकंदराबाद हो, जेवर हो, नोएडा और दादरी हो, ये एक सबका जो है गेट टुगेदर भी है कार्यकर्ताओं का हो जाएगा, जो 9 बजे से लोग आने शुरू हो गए थे, और अपने नेताओं के माध्यम से एक सुदूर संदेश जाएगा कि सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से 2019 के चुनाव के लिए तैयार है। ये तकरीबन 8 किलोमीटर की होगी और सिटी सेंटर पर जाकर समाप्त होगी, जगत फार्म के सामने से होते हुए। धीरेन्द्र सिंह जी, आपने राहुल गांधी को भी बाइक की सफर कराई थी, तो आपको राहुल गांधी की बाइक की सफर और कमल संदेश की जो बाइक रैली है, इसे क्या अंदर दिख रहा है? देखिए, जब मैं राहुल जी के साथ था कांग्रेस पार्टी में, तो मैं उनके लिए काम करता था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, पूरी तरीके से समर्पित हूँ, और इस राष्ट्र की तरक्की के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मुझे एक अवसर दिया इस पार्टी ने, तो मैं चाहूंगा कि जो अवसर मुझे मिला है मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा, लोगों की तरक्की के लिए।